हेलो दोस्तों, ये है मेहरा वीडियोस का हेल्प डेस्क और आज के चैप्टर में हम बात करेंगे BECIL मतलब ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की पोस्टेज के बारे में। दोस्तों, इसमें दो तरह की पोस्टेज हैं, पहली जो है वो है स्किल्ड मैन पावर और दूसरी जो है वो है अनस्किल्ड मैन पावर। दोस्तों, जो स्किल्ड मैन पावर है वो टेक्निकल फील्ड में है और जो इसकी टोटल पोस्टेज है वो है 369 पोस्टेज, मतलब कि 369 पोस्टेज। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपकी ITI होनी चाहिए, और जो ITI होनी चाहिए वो होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में या तो आपका डिप्लोमा हो या फिर ITI हो, और इसके साथ आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें अनस्किल्ड मैन पावर की, तो दोस्तों अनस्किल्ड मैन पावर में जो टोटल पोस्टेज हैं वो है 659 पोस्टेज, मतलब कि 659 पोस्टेज। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 8th पास, और आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, एक्सपीरियंस कहीं का भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी के रिलेटेड ही एक्सपीरियंस हो, आपको एक्सपीरियंस चाहे किसी का भी हो, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो वो कैंडिडेट भी ये पोस्ट अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम आपकी 8th पास होना ज़रूरी है। और दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो दोस्तों इसमें 18 साल से 40 साल तक का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मतलब कि 18 से 40 साल। दोस्तों, ये इसकी एज लिमिट प्रॉपर है, मतलब कि फिक्स एज लिमिट है, ऐसा नहीं है कि SC और OBC को इसमें छूट दी गई है, कोई छूट नहीं है। चाहे कोई कैंडिडेट SC है, चाहे OBC है, चाहे जैसे भी हैं, हर एक कैंडिडेट 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी फ़ीस की, तो दोस्तों इसकी जो सरकारी फ़ीस है वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए जो इसकी सरकारी फ़ीस है वो है 500 रुपये, और जो SC ST और PH दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सरकारी फ़ीस है वो है 250 रुपये, मतलब कि 250 रुपये। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि ये जो पोस्ट है ये आप फिल कर सकते हो, मतलब कि दोस्तों इसका डायरेक्ट इंटरव्यू है, इसकी कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसका डायरेक्ट इंटरव्यू है। और दोस्तों, इसका जो डायरेक्ट इंटरव्यू है वो है 30/5/2019 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और दोस्तों, ये इंटरव्यू कहाँ है मैं आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। दोस्तों, आपके पास आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, और इसके साथ आपके पास दो दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी पासपोर्ट साइज़ दो फोटोज़ होनी चाहिए, और पैन कार्ड और एक आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, ये आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए और इनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो मैंने आपको फ़ीस बताई है इसकी 500 रुपये और 250 रुपये, ये आपने कैसे लेके जानी है? दोस्तों, ये आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लेके जानी है, डायरेक्ट नहीं लेके जानी, ये आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लेके जानी है। जो भी फ़ीस है ये आपने डायरेक्ट फ़ीस उनको जमा नहीं करवानी है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो दोस्तों उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, वो सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, नीचे मैंने PDF की एक फ़ाइल दी है, हिंदी में है, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस तरह की कोई भी नई पोस्ट आती है और उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो आपने करना क्या, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके साथ आपने साथ दिए गए बेल के आइकन को भी एक्टिवेट कर लेना है, ताकि कोई भी नई पोस्ट आती है तो उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।